गोली की आवाज सुनाई दी शिखा। ये मत पूछो क्यों चलाई, ये पूछो किसने चलाया। तुम्हारे पिता श्री अविनाश गुप्ता था। फिक्र मत करो, उसे गोली लगी नहीं, जिंदा है। लेकिन अगली बार अगर तुमने मेरा फोन काटा ना। नहीं, वो गलती से आदत है, मैं फोन नहीं काटूंगी मधु। तो प्लीज मेरे परिवार को कुछ मत कर, प्लीज प्लीज। तो फिर तुम वही करो जो मैंने तुमसे कहा है, कर इट। मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपने उस मुसीबत को आने से नहीं टाला? क्यों मेरी इस लड़ाई के इस मुकाम पे पहुंच के सब खत्म होता सा नजर आ रहा है? क्यों मेरा मानव मुझसे छूटता सा नजर आ रहा है? क्यों मेरे परिवार की जान आपने खतरे में डाली? इसमें तो उनकी कोई गलती भी नहीं है, फिर क्यों? उन लोगों ने क्या कम दुख दिए मेरे परिवार को? आज उन्हें ये दिन भी देखना पड़ रहा है। क्यों माँ, क्यों किया ऐसा? जा रही हूं मैं, सबको अपनी सच्चाई बताने। अपनी लड़ाई के इस मुकाम पे पहुंच के सब खत्म करने जा रही हूं। क्या करूं, मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन आप तो दुर्गा माँ हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। कोई चमत्कार दिखा दो माँ। Ladies and gentlemen, as you all know, it's a big day for Jagannath Industries. Hotel sector में ये हमारा सबसे बड़ा unit होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समायरा मैम और आदित्य सर और अपने हाथों से रिबन काट कर इनॉग्रेशन सेरेमनी पूरी करें। सर, मैम, तालियां। बंद करो अपनी बकवास, जो भी रिबन विबन काटना इच्छा दी करो, उन काम की बात करो। Thank you.
क्या चालाकी की है तुमने मेरे साथ? ये नीरज जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना, किसी से कुछ भी बताने की जरूरत की तो अपने परिवार वालों का भरा मुंह देखोगी तुम। नीरज, ये वहां कैसे पहुंच गया? इसे किसने बताया? मैडम, इसमें शिखा की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं खुद ही आया हूँ। बंद कर अपनी बकवास, मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ, चलो पीछे जाके बैठो वहां पर। देखो मधु, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन्हें भी इसमें मत लाओ। तुम्हें मारना तो मुझे मारो, चिंता मत करो। अगर शिखा ने मेरा कहा नहीं किया तो इसके परिवार के साथ साथ मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चलो पीछे, कोई होशियारी नहीं, सबके सब वही बढ़े रहो। समायरा, चलें। जैसे इनॉग्रेशन फंक्शन पर तुम गई हो, वहां तुम खुद सबको बताओगी कि तुम कोई समारा सेठ नहीं बल्कि शिखा कुत्ता हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारा पूरा परिवार जिंदा रही बचेंगे। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। आज के इस मौके पे मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, बताओ अपना सच सबको। आज तुम्हें पता चलेगा मेरे साथ दुश्मनी कितनी भारी पड़ सकती है। कमाल, बोलो। कमाल, बस बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। शिखा के चुपचुप तक हो ना, तब याद है मुझे वो दवाइयां, वो इंजेक्शन, बहुत तड़पा है तुमने मुझे और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। आज मैं तुम्हें थक कर थकी, मैं समायरा सेठ
कोई नहीं लेगा, मैं कह रही हूं कोई नहीं लेगा। मैं इसे मार दूंगी, मैं मार डालूंगी इसे। मेरे क्या हो, यहां क्या कर रहे हो? विनीत आगे खोल, मेरी बात सुनो, हटो यहां से। एम्बुलेंस को बुलाओ। तुम हिलना नहीं, मैं कह रही हूँ हिलना मत। तुम मेरी बात सुनो, अपनी जगह पे जाओ, हटो यहाँ से, हटो। जल्दी चलाइए प्लीज। भैया जल्दी चलाइए ना। वो मैम गाड़ी खराब हो गई। क्या? विनीत आगे खोल, करो ना, आगे खोल बेटा। विनीत बोल 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 बेटा बोल, मुझे शिखा दीदी से मिलना है पापा। मम्मा मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मम्मा नहीं, शिखा दीदी से मिलवा दो। अब तुझे कुछ नहीं होने देंगे बेटा, नीरज जल्दी डॉक्टर को बुलाओ ना, नीरज एम्बुलेंस को जल्दी बुलाओ। घबराइए मत, मैंने एम्बुलेंस को बुला लिया है। एम्बुलेंस नहीं चाहिए पापा, मुझे शिखा दीदी से मिलना है। नीरज शिखा को बुलाओ, शिखा को बुलाओ, मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा। वो देख विनीत, देख शिखा की, शिखा जल्दी आ बैठ। विनीत देख देख देख, तेरी दीदी आ गई। अब कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा विनीत, हम हॉस्पिटल लेके एम्बुलेंस बुलाओ ना विनीत। कुछ मांगू आपसे? हाँ बोल ना विनीत। राखी बांधोगे आप मुझे? नहीं, मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी, तुझे रक्षाबंधन वाले दिन बांधूंगी ना। आज नहीं विनीत। तो कैसे बांधोगे दीदी? मैं तो आज जा रहा हूँ। नहीं नहीं विनीत, ऐसी बात है मत कर। मैं राखी लेके आ रही हूँ। आगे खोल बेटा, विनीत आगे खोल, आगे खोल बेटा। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे। अच्छा अच्छा मेरे पास देख, देख मैं तेरे लिए राखी लेके आई हूँ। मैंने तेरी बात मानी ना, मैं तुझे राखी बांध रही हूँ। अब तुम मेरी बात मान, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता, समझा तू? विनीत,
पुलिस के सामने नहीं आ सकती क्योंकि वो दुनिया की नजरों के सामने समा रहा है। शिखा, शिखा पुलिस आ चुकी है। शिखा प्लीज अंदर चलो। शिखा, शिखा प्लीज अंदर चलो, पुलिस आ चुकी है। शिखा अंदर चलो, उठो शिखा। यहाँ पर फायरिंग हुई थी क्या? इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने मेरे बच्चे को मार डाला है। सारे मर्डर केस है, हमें आपके बेटे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं ले जा सकते आप। शिखा संभालो अपने आप को। शिखा प्लीज। मेरा बेटा कहीं नहीं ले जा सकते आप। शिखा, शिखा।